जी, क्या हम लोग कैरावान में रहने चले? क्या सोचते हैं? ओह, 2 महीने से इस कमरे में रहते रहते बोर हो गई। हाँ, चल सकते हैं, क्यों नहीं। प्लान बनाओ, तो चले ना। अभी चलते हैं ना, आराम से यार। पहले हम लिस्ट बनाना पड़ेगा, सब करना चाहिए ना। लिस्ट? किस चीज का लिस्ट? ओ, तुम्हारा मतलब है कारावान में रहने वाला जरूरी सामान का लिस्ट। सही पकड़ी है। अच्छा, हाँ, हम बना सकते हैं। ओके। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि कारावान में क्यों रहने जा रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड में कारावान में रहना बहुत ही कॉमन है और पॉपुलर भी। लगभग 30,000 कारावांस हर साल इंग्लैंड में खरीदे जाते हैं और अरबों रुपया कारावान की टूरिज्म पर खर्च किया जाता है। इस वक्त इंग्लैंड में लगभग 5.5 लाख कारावांस हैं, जो यहाँ के लोग या तो घर की तरह उसका यूज़ करते हैं या फिर उसको एज ए टूरिज्म यूज़ करते हैं। बोट हाउस की तरह ही कारावान हाउस भी यहाँ बहुत पॉपुलर है। और तो और, लोग एक्चुअल घर को छोड़कर कारावान हाउस को पसंद कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना कारावान में रहकर देखें कैसी होती है कारावान की लाइफ, और आप सबके साथ शेयर भी करूं। तो देर न करें और चलते हैं, जरूरी सामान की लिस्ट तैयार करते हैं और आते हैं वापस कारावान में रहने के लिए। बोलो। हाँ, कि पहला क्या सामान है सर? मैडम, ब्लैंकेट्स एंड पिलोज, तकिया और ब्लैंकेट। ब्लैंकेट्स एंड तकिया। पिलोज। अनदर, दूसरा? लैपटॉप, फोन। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए लूसी? अरे, मुझे लगता है कि हमको किताबों किताब चाहिए चाहिए। हाँ, मेरा और लैपटॉप वहीं रह गया है। आपका लैपटॉप भी मेरा जरूरी लैपटॉप है, रह गया आपका है। नेचर लैपटॉप है, यूट्यूब करिए या ये सब। और क्या और? और खाना, केटल स्नैक्स, या एंड चॉकलेट फॉर श्योर। पानी। हाँ, पानी का बॉटल? मैं आती हूँ। Lucy, can you take this? Lucy, are you taking broom? Okay.
सभी बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया और पर्दा भी सब बंद हुआ, लेकिन ऊपर से खुले हैं तो शायद सुबह सुबह में हम उठाएंगे, चले देखेंगे। तो अभी हमारा पहली दिन वैन लाइफ का खत्म होने वाले है, तो अभी हम सो जाएंगे। गुड नाइट। First morning of our van. Oh, 6:30 बज गया। लूसी, गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो गया? 6:30। हाँ, 6:30 बजे। तुम कितने बजे उठ गई? 6 बजे के आसपास। 6 बजे। ओके ओके, पर्दा हटा सकते हैं? पर्दा हटा दो लूसी। करूंगी। हाँ, दरवाजा भी खोल दो। ओह गॉड, धूप। So cold, yeah. It's windy. You can put on my gilet. Mera gilet pehen lo. Gilet? Bandi. Bandi. Yes. That I understand. Gilet, pile. अंगूर देखो मेरे भाई। तो आप पहली कैरावान में रहे कि नहीं? नहीं, सिर्फ हमने वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का कैरावान देखा है वीडियो पर। आपको मालूम है ना कि मैं कैरवन में रहती थी? नहीं। हाँ, जब मैं कब? जब मैं 10 साल की थी, इसके आसपास, मैं और मेरी पूरी परिवार, हम सब कैरवन में रहती थी, बस 6 महीने तक। 6 महीने? क्यों? हम हमारा घर से शिफ्ट किया और हम इंतजार कर रही थी हमारा नया घर। घर घर सेल कर दिया था। हाँ, हाँ। फिर नए घर के लिए मेरा बाबा ना वो घर बनाती थी, इनकी नौकरी था, तो इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि बाहर ना बहुत जंगल था और देहात था और भी घोड़ा। ओ, घोड़ा उस टाइम में मुझे बहुत पसंद थी। वाइल्ड घोड़ा? जंगली नहीं थी। मुझे पसंद है। It must be very difficult for someone living inside, no? And fun as well. आदत हो गई। हेलो मिस्टर हेलीकॉप्टर, कृपया सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए।
हेलो यूट्यूब का बंदो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारा कारवान यहाँ है। ठीक है चले। ठीक है तो अभी हम कारवान के अंदर चले जाएंगे। ये नहीं है। हेलो जी, नाश्ते कैसे है? बहुत अच्छा, खत्म हो गया पूरा। ठीक है तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। दरवाजे है और स्टेप्स, तो हम ऊपर जा रहे हैं। और ये हमारा सीटिंग का अरेंजमेंट है और टेबल भी। हम यहाँ खाना खा सकते, चाय पी सकते और काम भी कर सकते। यहाँ बेसिकली ड्राइवर्स का जगह है, तो हम कुर्सी ड्राइवर के लिए घूम सकते हैं भी। ये बहुत अच्छे वो बोला भी। और यहाँ स्टीयरिंग व्हील, लेकिन अभी हम कवर कर दिया। अच्छा लगता यही तो पता ना। ये ग्वालियर से है, हम दोनों ग्वालियर में रहती थी, शायद आपको पता है। तो वो वहाँ से है। ये थोड़ी महंगी थी लेकिन मैंने खरीदा। ओह मकरी है, देख सकते। ओ मुझे बहुत नफरत करते, कोई बात नहीं। तो यहाँ है सीटिंग का अरेंजमेंट। ठीक है, डर लगती हूँ। हाँ जी, मकड़ी कल आना। ओके तो यहाँ ये हमारा छोटा सा किचन है और हीटर भी। तो किचन में है ये सिंक है बर्तन धोने का, और ये है कुकर हॉब और केटल चाय बनाने के, और हाँ फ्रिज। तो हमारे फ्रिज में बहुत नहीं चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक। और वो हमारा बेड जो सीढ़ी है, तो हम ऊपर जा सकते। तकिया, खिड़की, पर्दा, दूसरे घर की बेडशीट, और यहाँ स्टोरेज हाँ मेरी। और हाँ शायद ये सब है, छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। हमारा बाथरूम है, ये छोटे छोटे सा है, छोटे छोटे सा है लेकिन हाँ हम इसमें नहा सकते हैं भी। ऐसे ही है तो यहाँ शावर होगा लेकिन अभी नहीं। यहाँ पूरा कमरा बेसिकली शावर है, टॉयलेट भी, सिंक। आपने अंदर के बारे में जान लिया, आपको बाहर के बारे में बताता हूँ। तो ये है कारावान, जो देखने में कुछ इस तरीके से होता है। ये कारावान के दाई तरफ का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये है स्टोरेज एरिया। इसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, टेबल है, कुर्सी है और मैट्रेसेस है। ये जो मैट्रेस है ये उसी के अंदर हम लोग रखते हैं, जब यूज़ करना होता है बाहर निकाला फिर वापस इसके अंदर रख देते हैं। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ इसको। तो ये इसके अंदर का स्टोरेज है, और आप देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर टेबल है। उस तरफ से भी गेट है, आप चाहें तो उस तरफ से भी खोल सकते हैं। और ये है बेड को एडजस्ट करने का, आप चाहें तो बेड को नीचे कर सकते हैं या इसको ऊपर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कॉर्ड, आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे घर से जो है इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो जितना भी कारावान के अंदर का जितना भी मशीनरीज है वो इस इलेक्ट्रिक से चलता है। इस गेट में आप देख सकते हैं पानी का बॉटल रखने का, कई सारा पानी का बॉटल रखने का ऑप्शन है। ये जो पोर्शन है यहाँ गैस सिलेंडर है, इससे कुकिंग और जो हीटिंग है वो इस गैस सिलेंडर से चलता है। ये सेकंड साइड का गेट है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पानी के टंकी का है, और यहाँ आप साइन देख सकते हैं जिसमें
पानी की टंकी का लेवल है इसमें, और नीचे से अब जो है इसका टंकी निकालने का है। आप चाहें तो टंकी हटाना है, या नीचे इसका नॉब है आप खोल दें तो पूरा टंकी खाली हो जाता है। ये जो पोर्शन है ये बाथरूम है, सो इस बाथरूम का जो टैंक है वो यहाँ पर है, मिनी टैंक। जो वॉशरूम है उसका टैंक यहाँ है। ये गैस का है, और ये जो है ये दूसरा गेट है। जो स्टोरेज वाला एरिया है वो इस साइड से है, तो आप इधर से भी इसका इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कारावान के जो पीछे का पोर्शन है ये यहाँ है। यहाँ आपको साइकिल स्टैंड है, यहाँ आपको शायद मालूम हो यूके में बाइसिकल बहुत पॉपुलर है, तो आप कहीं भी जाते हैं तो बाइसिकल जो है यहाँ आप लगा के रख सकते हैं। तो ये जो है ये गाड़ी को लेवल करने के लिए, इसलिए कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सरफेस जो है वो प्लेन मिले, तो हो सकता है वो थोड़ा ढलान होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप इसको यूज़ करके जो है अपने गाड़ी को आप लेवल कर सकते हैं। और ये एक तरीके से ब्रेकर का भी काम करता है। So that's all about the caravan. We have, you can see on the roof, एक सैटेलाइट है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप इसको यूज़ करके जो है आप इंटरनेट और वाईफाई जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो आप उस सैटेलाइट के थ्रू ले सकते हैं। दिन का लगभग अभी 12 बज रहा है। हम लोग लगभग अपना सारा डेली रूटीन जो है वो इसी वैन में ही करते हैं, क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए वैन लाइफ जी रहे हैं। सो अरे क्या हो रहा है लूसी? मैं किताब पढ़ रही हूँ। किताब? कौन सी का किताब? ये मेरी हिंदी की किताब है। ओह, हिंदी लर्निंग लेसन? हाँ, हिंदी सीख रही हूँ। ना, अब समझ में आया हिंदी कैसे बोलती हो तुम, इसीलिए? क्योंकि जब मैं हिंदी बोल रही हूँ ना मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा मैं मुझे नॉट बैड सेल्फ लर्निंग कोशिश करी हूँ। Let's have something. हाँ ठीक है। Cold drink? हाँ एक। Can or bottle? हाँ शायद can. Okay, I will go for bottle. वो बोला दांत से मत खुलो। दांत से? नहीं। कुछ और? Chocolate? हाँ। Milk? हाँ बिल्कुल। Milk chocolate? ज़रूर। Your favorite? I have 177 subscriber now. सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ खास आपको एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए। मिलिए कुदरत से और बातें कीजिए चिड़ियों की चहचहाट से।
अगर आप कारवान में हैं तो बायनोकुलर यानी दूरबीन बहुत काम की चीज़ हो सकती है। अंदर बैठे बैठे आप चिड़ियों, तीतर, महोका, खरगोश और हिरन जैसे जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिल सकता है। एक बात है, अगर आप कारावान में रह रहे हैं तो आपको खाने के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप जो है फुल कड़ी, राइस एंड पुलाव नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको खाने में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ सैंडविच, हाँ सैंडविच, क्या है ये क्या है लूसी? ये एवोकाडो, एवोकाडो का पेस्ट। या इसमें भी स्पाइसेस, हर्ब्स, टमाटर, ये एक्लेयर और ये है टिक्की। पर ये टिक्की आलू का नहीं है, आलू भी है और वो भी है, ड्राई फ्रूट्स का। ओ, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का टिक्की, चीज। मेरे में तीन चाहिए और लेटस, हमस। ये हमस है स्पाइसी रेड चिली वन, स्पाइसी वन। Yes, and that seems quite good quantity, Lucy. Yes, hopefully we won't be hungry. Okay. Yes, it's ready. And the chip time. Sorry? So, hum log chale wahan khane, Lucy? Theek hai, theek. Chale wahan. Bahar. Wahan, wahan. Haan, theek hai, ja rahe hain. So, वो रहा पेड़ के उस पार हम लोगों का वैन, और हम लोग दिन का खाना जो है इस पेड़ के नीचे। तो चलिए सैंडविच खाने चलते हैं हम लोग। रिमेंबर डोंट रिमूव दिस, बट दिस इज बैलेंसिंग स्टाइल है। इसको स्टाइल नहीं, जुगाड़ कहते हैं। लंच था, हम लोगों ने लंच कर लिया और अब वापस जा रहे हैं वैन में। थोड़ा सा फल खाएंगे और उसके बाद से देखते हैं क्या करेंगे फिर कुछ डिसाइडेड नहीं है। हाँ, मूवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ये हमारा मिठाई है, ये है डिजर्ट, डिजर्ट। ये ब्रिटिश स्ट्रॉबेरी है ना सर? या, सो यहाँ का नेटिव है ये ब्रिटिश। जंगली स्ट्रॉबेरीज यहाँ मिल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत छोटे हैं, छोटा सा। You're stuck now.
कौन आ रहे बाहुबली I really love this movie. So I chop on it. Jeet gaya. Yeah. अच्छा जी रात का खाना दिन का खाना तो हो लिया रात तो क्या करें मैं दोबारा सैंडविच बना सकते हैं हाँ it's too boring यार रोज सैंडविच टुडे आज तीसरा दिन है एक दिन खाया सीरियल एक दिन खाया सैंडविच कुछ नहीं आया अगर हम कारवान के अंदर हैं हम और खास खाना खड़ी सब्जी दाल चावल नहीं बना सकते ना ऐसा कुछ करें ना कि बाहर कुछ करें हम ठीक हम बारबेक्यू कर सकते बाहर आई थिंक इट्स गुड आइडिया बारबेक्यू है यहीं पर हाँ, क्यों ना हम लोग वेज कबाब बनाएं ठीक चलें हाँ बनाएंगे आई थिंक दैट्स गुड आइडिया सो बारबेक्यू नाउ ओके डू सम प्रिपरेशन ना चलें तो ये हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं डिनर के लिए ना चलो अबे हट जाओ बारबेक्यू देख के लूसी ये देखो बत्तख Yeah, I think you go inside, no? Mm-hmm. Yeah, barbecue! And that's my favorite 7-Up. Ah, that's a change. Mm-hmm. No? It's far better. It's difficult to make when you are in a caravan. You have to carry your barbecue and all, wood. मुश्किल है लेकिन yummy है. Very good. तो ये था हमारा कारवान का तीसरा दिन और इस वीडियो का आखिरी दिन हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप लंदन के किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मैं कोशिश करूंगा उसे आप तक लाने की अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया मिलते हैं एक और वीडियो में तब के लिए खुश रहें।